वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ ये है कि हम लोग जा रहे हैं इंटीरियर सेल। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये अचानक से हमारा प्लान बना है। पापा की कॉल आई थी एक बजे तक, हम लोग रेडी हो जाओ, बस हम लोग निकल रहे हैं। हम समझे मजाक करें ना, हमारे पास कोई कपड़े शॉपिंग वगैरह भी नहीं करी हमने, उसके अलावा कोई तैयारी होती है कुछ भी नहीं करा, बस जो कपड़े हाथ में आए हम लोगों ने वो रख दिए। एक तो एरज और एरज की पिक्चर्स कभी भी जिंदगी में ख़त्म नहीं होंगी। भूख लग रही थी तो हमने खाने के लिए कुछ सामान लिया, चिप्स और जूस। उसके अलावा आप देख सकते हैं अशर ड्राइव कर रहा है, बहुत सीरियस है, लगता है अभी थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे अशर से। अजानें भी होने वाली हैं तो मैंने सोचा कि अब फ़ोन रख दिया जाए और बाकी बातें मैं वहाँ पहुँच के करूँगी और वहाँ इंजॉय करेंगे बहुत, क्योंकि उधर इवेंट है, हम सरप्राइज देने जा रहे हैं। अंदर बैठ बैठ कर थक गई मैं, मेरी टांगे टूट गई एकदम बिल्कुल, और मम्मा ये शॉल ले रही है। मम्मी क्या कर रही हैं आप? 500 की ये शॉल है और एक वो पता नहीं क्या है, वो टोपी होती है, आई थिंक टोपी। 1000 की दो दे रहे हैं पापा मम्मा, बार्गेनिंग कराते हुए, चलाकी करते हुए बिल्कुल। ये वाली अच्छी नहीं है, जो अच्छी है वो दिखाओ। और दिखाए व्हाइट, यही सही लग रही है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है ऊपर ये। दिखाओ तो सही, अच्छी लग रही है, हाथ डाल। चुके हैं और हमें बहुत नींद आ रही है, पता नहीं हम लोग जा सकते हैं फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हम आप अटेंड करेंगे हम आपसे। जिस तरह तुम तैयार हो गए हो ना, सगे भी फॉरन शादी में जाना है इसने। हाँ तो मैं पूरा मैं ड्रेस पहन के आई थी, तैयार होकर आई थी, लेकिन सारी हालत खराब हो चुकी है। हम लोग पहुँच गए यहाँ पर और जैसे ही पहुँचे यहाँ पे सब इतना खुश, इतना शॉक्ड हो गए क्योंकि हम लोगों ने उनको सरप्राइज किया था। और ये देखिए मैंने फौरन जल्दी से मेहंदी भी लगवा ली। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे हम लोग यहाँ क्यों आए, तो मम्मा की क्लोज फ्रेंड थी हुई, उनका मतलब उन लोगों का इवेंट था, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि आना है आना है, तो फिर मम्मा का फौरन दिल मेल्ट हुआ, फिर मम्मा ने कहा जाना पड़ेगा, बुलास न रहें। और काफ़ी इज्जत भी यहाँ मिलती है हम जब भी आते हैं, और जो भी अब मैं करती जाऊँगी आप लोग से शेयर करूँगी विलेज लाइव। नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग, तो हो गई है मेरी सुबह और हम लोग घर में बहुत बोर हो रहे थे, तो हम लोगों ने प्लान करा कि हम लोग विलेज जाएं, जैसे कि ये मेरे मकसद था जाना। और खैर अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं शूज़ चेंज करने हैं मुझे और ज्वेलरी हो गई, बहुत सारी चीज़ें गाड़ी में रखी तो मैं इसलिए नीचे आ गई सोचा, और बहुत लोग यहाँ देख रहे हैं गाड़ी में। हाँ तो माहिन क्या करना है गाड़ी में? मैं ज्वेलरी पहनने आई हूँ कि मेरा जो बॉक्स है ज्वेलरी बॉक्स वो गाड़ी में रह गया था, तो मैंने सोचा कि नीचे आके जल्दी से सारा क्या क्या इसके अंदर, इसके अंदर थोड़ी सी चीजें जल्दी से मैंने सामने सामने रख दी हैं, वो ये जैसे कि ये ओके हो रहा है दो एंड गोल्डन, मैंने सोचा कि ये वाले पहन लो ये ज्यादा अच्छे लगेंगे। हम लोग जा रहे थे, तुम लोगों को थोड़ी सी भूख लगी, तुम लोगों ने सोचा कि कुछ ले लेते हैं खाने के लिए, तो बस हम लोग रुके यहाँ पर, कुछ लेंगे फिर जाएंगे आगे। हम लोगों ने ले लिए खाने की चीजें, अब हम लोग जा रहे हैं। One eternity later. बहुत धूप हो रही है, बहुत धूप हो रही है, पहन ली है। और माहिन का आउटफिट चेक कर लें, और इसके अंदर बहुत ही खतरनाक खतरनाक सा, तो मैंने बंद कर दिया था। माहिन जितके बड़े सीन है, माहिन माहिन नहीं मारेगा, माहिन को सबसे खतरनाक से मुझे बहुत, माहिन वो डोंकी लगा, ये देखो माहिन माहिन बहुत गुस्से में लग रहा है, तो मैं क्या मैंने वो आ रहे छलांग मार के क्या हो गया, उड़ क्यों रहे हैं ये लो माइन से बच के भाग रहे हैं बेचारे। माइन 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 ऐसा ऐसा, ये देखो कितना क्यूट है, माहिर ऐसे पकड़ो ना,
भाई वो रो रहा है, तुम्हारा बच्चा थोड़ी है ये, पता नहीं क्या कर रही हो यार। ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये पकड़ो ऐसे। देखे फाइनली मैंने खुद ही उठाया है अपने हाथों से, और ये बहुत मैं करूँ करूँ ना बेटा, बोलो मैं अभी बड़ा बच्चा ये बहुत बड़ा साइज में है, और ये 6 महीने बोलो बेटा इसको प्यार कर लो, सोच रही हूँ मैंने कान खड़े हुए मैंने कर लिया इसको तो आरूंगी देखेगा कैसे भागेगा वो वाव उसके कितने बड़े सिंह हैं। ये जगह जगह बकरी क्यों है इसमें, इतने सारे गाड़ी में डाल के ले जाऊं अपने साथ कराची, मैं इसको हाथ लगाऊंगी, आओ हाथ लगाऊं, आओ ये बहुत जोर से सांस ले, आओ आज मैं ना ये रो रही है, इसकी आंखों में सांस आ रहे हैं, कितनी प्यारी प्यारी है ना वो, कितनी प्यारी है, गर्मी लग रही है यहाँ मुझे, ये देखिए इस घोड़े को पता नहीं क्या हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ओहो फौरन खड़ा हो गया, जब मैं व्लॉग नहीं कर रही थी तो ये लेट के पता नहीं क्या कर रहा था, उसको शायद खुजलियाँ होने, अब उसको जल्दी आए जल्दी, ये क्या कर रहे हैं, ये खुद से आपस में खेल रहे हैं, तो हम लोग आगे जा रहे हो, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं शायद जो कि मैंने सुना है, और ओहो वो देखें वो कितना प्यारा सा, इसका नाम मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तुर्किश कुछ है शायद, आए वहाँ से गिर ना जाऊँ, और ये मेरे पीछे की सारी है, कुछ मारूँ इसको, मतलब मारूंगी नहीं इसको थोड़ा तंग करूँगी, कुछ हुआ ही नहीं इसे, ये ना करीब जाओ और फिर मुझसे बदला लेके तुमने मुझे मारा है, अब मैं भी तुम्हें मारूंगा, इधर आओ, देखे मेरी उंगली के सहारे जाएगा, जाओ और करीब जाओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ प्लीज, प्लीज आओ ना, आ जाओ, हेलो नहीं करेगा कुछ, देखो इतनी प्यारी लड़की तुम्हारे साथ खड़ी हुई, सामने आओ ना, मार रही नहीं लेकिन आओ, ये कह रहा मुझे नहीं फेमस होना, जाओ नहीं करेगा, जाओ करीब जाओ, इसका मुंह ना छोटा सा है ना, ये मुझे देख रहा है, नीचे नहीं जाओ, वो तो वहाँ देखो ना, नहीं करेगा, जाओ और जाओ, तुम पास जाओ ना, ऐसे करके और कहीं जाओ, मेरी चोंच मार देगा अपनी, देखा तू चोंच ही मार, नहीं ऐसे नहीं मार देगा, मेरे पास भी चोंच है, नॉक ले जाएगा, बता रही हूँ वो डर रहा है, वो भाग गया, हा, ये तुम डरा रही हो उसको, ये एकदम हमला करेगा मुझे इसका लग रहा है, अब हम लोग उस वाली साइड पर जाएंगे क्योंकि मुझे पिक्चर्स लेनी, मैंने कहा थोड़ी ग्रीनरी होनी चाहिए वहाँ, तो हम पूरा बाहर से घूम कर उधर जाएंगे ताकि मेरी पिक्चर्स हों, फिर मैं वो अपलोड कर पाऊँ, तो चलें अब हम लोग आए हैं दूसरी साइड पे, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, इतना हसीन, लेकिन अब यहाँ पे वो सरसों के पता नहीं क्या होते हैं येलो कलर के, वो दूसरी साइड पर है, वहाँ पर भी जाऊँगी मैं, और यहाँ पर मैं मतलब मेरा असल मकसद पिक्चर्स लेने का है, दिखाओ मैं अंदर जाऊँगी इधर, यहाँ पर कुछ बस हो नहीं कीड़ा वगैरह कि मुझे काट ले पाऊँ, फिर आ रही हूँ, हम वहाँ जा रहे हैं जल्दी, मैं जा चुकी हूँ, पता नहीं है अंदर रास्ता नहीं है कोई जाने का, और इधर मैं पिक्चर्स लूँगी अच्छी अच्छी, और आप लोगों को देखनी है इंस्टाग्राम पर मेरी, और बहुत इंजॉय कर रहे वहाँ पर भी, थोड़े बहुत हमने मतलब मूवी वहाँ के अच्छे अच्छे, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करे, फोन भी इतना चार्ज है ना, पावर बैंक है मेरे पास, ये सब कुछ ना कनेक्शन आ रहे ना कुछ ना कुछ, आप लोग देख सकते हैं कि वो सारे जो भी सरसों होता है वो उस साइड पर है, तो मैं वहीं जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ये रहा रास्ता जाने का, बस अब मैं गिरूँ नहीं, और फिर मैं इधर देखें कितना प्यारा व्यू है, और ओ नाइस माशाल्लाह, यहाँ घास काटने जा रही है गाय बकरों का जो होता है ना,
नहीं तो मैं मारने आई हूँ। हाँ हाँ मुझे मारने भी आई है, इसकी दिली ख्वाहिश है ना। ये वाला काटते हैं। हाँ एक सेकंड, ये पैर तो ऐसे ही टूट रहा है। तुम करो करो। हाँ ये वाला सही लग रहा है, ये फ्रेश है, ये काटेंगे। उल्टा है सर ये, तो मेरे हाथों से ही टूट रहा है, इसकी क्या जरूरत है भला। वाओ नहीं 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 मैं करके दिखाऊंगी। तुम भी करो ट्राई, तुम्हारा भी करे होगा। मेरी बदतमीज बहन, ना फरमान ना फरमानी करी मेरी। तुम बहुत कम काट रही हो। ये मैं लाया करना नहीं चाह रही हूं। हां तो मैंने हाथ से तोड़ लिया। ये लो यार रखो, बहुत खतरनाक है ये यहीं पे। अरे उनको हाथ में तोड़ा कल को। हाँ बेचारी कितनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत जल्द इसको 10 रुपए मिलेंगे रोज के। हम लोग ने बहुत इंजॉय करा यहाँ पर। अब हम लोग घर जा रहे हैं, घर से मुसलसल कॉल आ रही है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ रह गए? बहुत मिस कर रहे हैं आप लोगों को। ये बहुत मिस करिए आप लोगों को। नहीं घर में तो हमारा जी हाँ। तो हम लोग जाम शोरो टूर प्लाजा पे पहुंच गए हैं। बस थोड़ा एक डेढ़ घंटे का रास्ता है, बल्कि दो घंटे, हाँ हाँ ढाई घंटे का रास्ता है, फिर हम लोग कराची पहुंच जाएंगे। हम लोग बहुत बहुत ज्यादा थक गए हैं। हम लोग मतलब 20 घंटे भी हम लोग वहाँ पर नहीं रहे होंगे। वहाँ पहुंचे, वहाँ पर इवेंट था, फिर उसके बाद हम लोग पूरा रात इवेंट चलता रहा, फिर उसके बाद सोए हैं, फिर सुबह उठ गए जल्दी क्योंकि यहाँ सब जल्दी उठ जाते सुबह, फिर जल्दी सुबह गए घूमने फिरने, फिर उसके बाद आए तो भी कोई इवेंट था लेकिन हमें वो अटेंड नहीं करा क्योंकि हम लोगों को निकलना था, क्योंकि अक्षय ड्राइव कर रहा था तो उसको रात में इशू होता है ड्राइविंग करने में। और हम लोग जल्दी इसीलिए आए क्योंकि इरज का कल पेपर है, इसकी वजह से, इस लड़की की वजह से कहाँ आई है, सो रही है शायद। ये बहुत थक गए हैं, कुछ मतलब इतनी भूख भी लग रही है, लेकिन अक्षय घर लेके जाएगा डायरेक्ट, है घर पे ऑर्डर करो जो भी करना है, मैं रास्ते में नहीं रुकूंगा। ये है, ये कहीं साथ जाओ तो ये कहीं हमें लेके नहीं जा। जी हाँ तो हम लोग खैर खैरियत से पहुंच गए हैं घर, और मुझे इतनी शदीद नींद आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ, भूख भी बहुत लग रही है। तो जल्दी से ऑर्डर करें और अब मैं खाऊंगी। और आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद करें, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है जल्दी जल्दी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।